तो जिस रूम में मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक मिनी ऑफिस जैसा क्रिएट कर रखा है, यहीं पे मैं अपने सारे काम करता हूँ। तो कल रात को क्या हुआ, पूरे फ्लोर की ये लाइट चली गई। तो पूरे फ्लोर की ये लाइट चली गई तो फिर मैंने सोचा क्या करेंगे, दिन में मैं बुलाऊंगा इलेक्ट्रिशियन को, बिकॉज ये रात को लेट गई लाइट, मतलब सारे रूम की नहीं गई थी, कोई पर्टिकुलर रूम्स की लाइट चली गई थी। तो फिर दिन में मैंने इलेक्ट्रिशियन को जब बुलाया तो इलेक्ट्रिशियन जो थे वो बहुत ही पुराने इलेक्ट्रिशियन थे हमारे, जिनको मैं सालों से बुलाता हूँ किसी भी काम के लिए, और उनकी एज मे बी 65 प्लस होगी या 60 प्लस फॉर श्योर होगी, इतना मुझे पता है। तो वो दिन में आए, ओके, तो दिन में मेरा जो काम था वो भी थोड़ा पेंडिंग रह गया। तो वो जब आए, काम उन्होंने स्टार्ट किया, चेक किया क्या गड़बड़ी है, मतलब MCB उन्होंने जब चेक किया तो पता चला MCB वर्क नहीं कर रही है, मतलब पावर जो होता है वोल्ट वो इन हो रहा है बट आउट नहीं हो रहा। अब मुझे इतना टेक्निकल नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, बट ये वो चीज़ है उन्होंने मुझे बताया। तो MCB में क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने बोला कि चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूछा फिर कितना चार्ज होगा, उन्होंने बताया कि अराउंड 1200 जितना होगा, और ब्रांड का वो MCB वो लगाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है लगा दो, क्योंकि मेरे ऑफिस का काम लेट हो रहा था और काम अर्जेंट थे कुछ, तो मुझे वो करने ही थे। तो मैंने उस वक्त ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है ये काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने अंकल को बोला अंकल आप लेते आओ, और क्योंकि वो ट्रस्टेड पर्सन है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और कुछ भी काम होता है मैं काफ़ी टाइम से, वो घर के पास ही रहते हैं, हमारे घर के विदिन 1 किलोमीटर रेंज में रहते हैं, उनका घर भी यहीं पे है, तो कुछ भी होता है तो उन्हें बुलाता हूँ वो आ जाते हैं। तो फिर वो गए और उन्हें आधे घंटे लग गए, और आधे घंटे में वो लेके आए एक थैली में MCB, ओके। तो फिर वो लेके आए तो मैंने जस्ट चेक किया MCB को, वो थैली से निकाला तो MCB जो थी वो किसी डब्बे में नहीं थी, ना उस पर कोई कवर था, वो ओपन MCB थी, मतलब कोई कवर और कुछ नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखने से वो लग नहीं रही थी कि वो न्यू है। तो मैंने उस वक्त कुछ पूछा नहीं, पहले अंकल ने पुराने वाली निकाली MCB और न्यू वाली लगाई, और फिर ये पर्टिकुलर फ्लोर की और लाइट्स चालू हो गई। तो फिर जब लाइट चालू हो गई तो फिर मैंने अंकल से पूछा अंकल कितना हुआ चार्ज टोटल, तो उन्होंने बोला कि 1200 ये MCB के और 150 मेरे हुए। तो उनका घर पास में ही है, और पहले वो मतलब 40-50 या 60 या 100 रुपीज़ लेते थे, तो उन्होंने 150 बोला। मैंने बोला ठीक है उनके जो चार्जर सही हैं, बट मैंने पूछा अंकल ये जो आपने MCB लगाई ये तो न्यू नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं न्यू ही है, खाली वो कवर ओवर निकाला हुआ है ना इसलिए, और वो एक्चुअली में MCB देखने से पता चल रहा था कि वो 1 साल से 2 साल या 6 महीने पुरानी थी, क्योंकि अंकल की एज है और अंकल को मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से। मैंने बोला ठीक है जाने दो, और अभी अंकल काफ़ी टाइम बाद आए थे, बिकॉज ऐसा कोई एज सच इलेक्ट्रिक का इशू काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। मैंने पूछा अंकल ये MCB तो न्यू नहीं है और आप चार्ज मतलब पूरा मांग रहे हो, तो बोले नहीं MCB न्यू है। तो मैंने बोला अंकल बिल कहाँ है इसका, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ख़राब होती है तो उसकी जो भी गारंटी या वारंटी है आपके पास बिल होगा तभी क्लेम करोगे। अब क्योंकि अंकल मुझसे पूरे पैसे ले रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, अब मुझे भी नहीं पता उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मैंने इंटरनेट पे चेक किया वो 900 का भी बता रहा है, 2000 का भी बता रहा है, मे बी अलग अलग ब्रांड का हो सकता है, ठीक है। और MCB पे जो MCB अंकल ने लगाई उस पर कोई भी ब्रांड का नेम नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने पूछा अंकल ये MCB तो पुरानी है, अंकल ने बोला पुरानी नहीं है। तो मैंने पूछा बिल और ये सब चीज़ें, बोले कोई टेंशन नहीं है कुछ भी होगा मुझे बोलना। मैं बोला चलो ठीक है ये भी मान लेते हैं। फिर वो जो पुरानी MCB थी ना जो अंकल ने निकाली थी उसमें से बहुत सारी मिट्टी जैसे निकल रही थी, तो मैंने जस्ट उसको शेक किया तो उसमें से बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारी चीटियाँ निकली। मैं बोला MCB में से इतनी सारी मिट्टी और इतनी सारी चीटियाँ, मैं आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, ठीक है, जो पुरानी वाली MCB थी उसमें से बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारी चीटियाँ निकली, चीटियों ने बहुत सारी अंदर मिट्टी लेके गएंगी, उसी के वजह से वो पूरा वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, मिट्टी की वजह से पूरा जैम हो गया होगा। तो एक्चुअली जब लाइट पहले चालू थी मैंने उसे बंद करके चालू किया ना, तब वो लाइट पूरी बंद हो गई। एक्चुअली कल लाइट गई थी किचन में, तो एक फ्लोर पे किचन में लाइट गई थी, मैंने बोला देखूं कि बाकी जगह लाइट है कि नहीं, तो मैंने देखा कि बाकी जगह लाइट है यहीं पे किचन में नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी बंद करके चालू करके देखा, यहाँ से बंद करके चालू करूँ तो शायद नीचे की लाइट आ जाए, बट यहाँ का बंद करके चालू, नीचे की लाइट तो अपने आप आ गई, यहाँ बंद करके चालू किया तो ये चालू हुआ ही नहीं। तो मेरे ख्याल से अंदर बहुत सारी मिट्टी थी, चीटियाँ थी, जब मैंने बंद करके चालू हुआ तो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ, मिट्टी और वो सब बीच में आ गए होंगे। तो मैंने मिट्टी और चीटियाँ निकाली और देखा तो मतलब MCB में बहुत सारी मिट्टी और चीटियाँ थी। अंकल ने बोला एक काम कर सकते हो, अभी तो ये लगा दिया है, नेक्स्ट टाइम मतलब ये यूज़ कर सकते हो इसको, अभी अच्छे से साफ़ कर लेना, मे बी ये चालू हो जाएगा। तो मेरे पास भी टाइम की कमी थी उस वक्त, मैंने बोला चलो जाने देते हैं एंड लेट्स गो। फिर अंकल को मैंने पैसे दिए, अंकल चले गए। तो आज की वीडियो में आपको कहना क्या चाहता हूँ, अब उस चीज़ पर आ जाते हैं।
देखो लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है आपके अर्ली एज में, आपके हर एज में, ठीक है। लेकिन अर्ली एज वो एज होता है जब आपका पीक कवर होता है कि लर्निंग का, आपका कुछ बनने का, और वही एज से मोस्टली आप चीज़ें एक लेवल पे सेट कर सकते हो। उसके बाद लेट सपोज आप 35-40 जाते हो तो चीज़ों को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो कुछ नया ट्राई करना, एक लेवल से दूसरे लेवल पे चेंज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नथिंग मच। तो क्या हुआ, मैं इस एग्जाम्पल से क्या कहना चाह रहा हूँ, अंकल बहुत ही ट्रस्टेड इंसान थे, ठीक है, बहुत ही ट्रस्टेड इंसान थे। तो अंकल जब पहले आते थे तब हमारा पुराना घर था, उसको हमने तोड़ के पूरा न्यू कर दिया, बिकॉज बिल्डर का बनाया हुआ जो घर था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी दीवारों में, हर जगह, फिर हमने नया बना दिया, ठीक है। तो अंकल को उसके बाद जब घर बना, उसके बाद जब हमने एक आध बार बुलाया तो मैंने देखा कि अंकल के चार्जेस काफ़ी हाइक हो गए, ठीक है। तो अंकल ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बोली कि जैसे कि पहले देखो बेटा मैं साइकिल से आता था, अब मैं स्कूटी से आता हूँ तो पेट्रोल का भी लगता है, मतलब वो भी सही है, बट इस बार जब आए तो ड्रास्टिंग मतलब चेंज तो आया, बट इस बार जब आए तो मैंने देखा कि पैसे लेना ठीक है, बट नया लेने गए थे और पुरानी चीज़ वो लेके आए और वो पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अंकल मुझे जानते हैं, काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो चाहते तो मुझे बोल सकते थे कि बेटा पहले कि मैं MCB जो है वो पुरानी लेके आया हूँ, तो इसका मैं जो चार्ज लूँगा वो भी थोड़ा कम ले लूँगा, बट वो MCB पुरानी लेके आए और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे इनिशियली। बाद में उन्होंने बोला है 6 महीने पुरानी है, इसलिए मैं आपसे 1200 ले रहा हूँ, नई लेने जाओगे तो इसका मतलब 200 ज़्यादा होगा, ठीक है। ये उन्होंने बाद में बोला, पहले वो नहीं बोल रहे थे, फिर उन्होंने सामने से बोला ये चीज़। तो ये चीज़ उन्होंने क्यों की, एक लॉजिकली एक चीज़ सोचो कि उनकी उम्र 65+ है, जब वो काम कर रहे थे काफ़ी हाफ रहे थे। अब आप कह सकते हो कि सर आपको कुछ किसी अच्छे हेल्दी व्यक्ति को ले आना था, ये आप क्यों उन्हें इतनी एज पे कष्ट दे रहे हो। गाइज मैं उन्हें कष्ट नहीं दे रहा था, वो पास में रहते हैं, मैं बोला चलो वो भी कुछ कमा लेंगे और अपना भी काम हो जाएगा और काफ़ी टाइम से आते हैं, ऐसा सोच के मैंने बुलाया। बट ये थोड़ा काइंड ऑफ चीटिंग वाले स्टेप पे अंकल चले गए, ओके। कमाने वाले स्टेप तक ठीक था, अपने पैसे रेस करते हो वहाँ तक चीज़ें ठीक है, लेकिन आप जो सर्विस दे रहे हो उसमें एक ट्रुथ होना चाहिए, ओके। नो डाउट आज ये चीज़ें नहीं रहती, बट जो आप सर्विस दे रहे हो अगर आप उसमें सच बोल के दे रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, तो सर्विस अच्छी चलेगी लॉन्ग टाइम में, आपका ट्रस्ट बना रहेगा मार्केट में। आप पैसे ले रहे हो प्लस आप गलत बोल के ले रहे हो तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत जाएगी। अब वो अंकल की एज 65+ थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखो सबसे बड़ा रीज़न है पैसा, वो ये एज तक इस पे काम कर रहे हैं। अब आप बोल सकते हो नहीं उन्हें एक्टिव रहना भी पसंद होगा, नो डाउट उन्हें एक्टिव रहना भी पसंद होगा, आदमी को हर एज तक कुछ ना कुछ करना चाहिए, बट यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्यों ऐसा किया? अगर वो मुझे सच बोल देते पुराना है तो उन्हें शायद कम देना पड़ता, राइट, कम पैसे मुझे देना पड़ता, वो 1200-1300 का है तो शायद उन्हें मुझे 800-700 या 600 या 1000 या जो भी, बट उन्होंने अराउंड 1200 रुपये लिए, ठीक है, और मुझे बोला कि ये न्यू ही है, बाद में उन्होंने बोला 6 महीने ही पुराना है। तो आपके पास अगर पैसा है ना, आपके पैसा ही नहीं, आपने अगर अपने कैरियर को, एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, कैरियर को अर्ली डेज में एक मिनिमम लेवल तक लेके गए ना, तो आपको छोटी छोटी, ये अंकल के एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहीं पे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो देखो जब लाइफ में आपके पैसे कम होते हैं ना, ठीक है, तो आप मानो या ना मानो आपके डिसीजंस बहुत ही कंट्रोल्ड रहते हैं, कंट्रोल यानी आपको हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है और शायद कहीं झूठ भी बोलना पड़ जाए। इसी एग्जांपल में ले लो, अगर मुझे लगता है अंकल के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं और लाइफ में कुछ और कर रहे होते, ना कि यही काम, बिकॉज इस काम में इस उम्र में तो उन्हें काफ़ी मेहनत लगती होगी, फिर शायद वो काम नहीं करते। तो आपको इससे क्या सीखना है, आपको अर्ली कैरियर में पहली तो अच्छी मतलब एक कैरियर बनाना है ताकि आप एक मिड लेवल से अप पे जा सको, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा टाइम अपने कैरियर में बिताओ, काफ़ी कुछ सीखो, जितना सीखना है उतना सीखो, उसके बाद क्या करो कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। आप हमेशा वही काम मत करते रहो जिससे पैसे मिल रहे हैं, आप वो भी काम करो जो आपको करना पसंद है और उससे पैसे भी मिलेंगे आपको, उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। तो मुझे क्या लगता है कि आप 50-60 जो एज है, आप 50 तक या 50 से पहले, 40 तक और 50 से पहले अपने आप को जो काम आप कर रहे हो पैसे के लिए, वहाँ से हट जाओ, मतलब हट जाओ, तुरंत मत हट जाओ। आप एक जब आपको लगे ना कि मैं मेरे कैरियर में एक लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, यहाँ पे कैरियर थोड़ा स्टेबल है, फिर आप ये भी फोकस करना स्टार्ट करो कि आपके अंदर क्या यूनिक है, आप क्या बन सकते हो, आप क्या कर सकते हो, फिर वो चीज़ें भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना। क्योंकि जब आप काम करते हो पैसे के लिए ना, तो आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, अंकल भले ही अच्छे थे लेकिन पैसे के मामले में वो बायस हो गए, बायस यानी उन्होंने झूठ बोल दिया। तो आप एक उम्र तक
आप जॉब से या किसी भी काम से अच्छे पैसे मतलब कमाओ थोड़े से, लेकिन उसके बाद 35 40 के बाद या 45 के बाद आप देखो कि अब मुझे क्या चीज़ है जो मुझे करना पसंद है, उसमें पैसे भी मिल सकते हैं, या किसी भी एज में शुरू कर सकते हो जब भी आपको लगता है स्टेबल आपके हिसाब से। बिकॉज फिर मुझे लगता है कि एक उम्र के बाद आपको लाइफ एंजॉय करना चाहिए और उसके साथ काम भी वो करना चाहिए जो आपको पसंद है। जब वो काम करते हो जो आपको पसंद है, नो डाउट उसमें भी स्ट्रेस होगा, बट वो स्ट्रेस का मज़ा आता है, वो स्ट्रेस आप आराम से ले सकते हो क्योंकि वो आपने खुद ने चूज़ किया है। और जब आप एक लेवल पे होते हो, आप अपने अपने अर्ली कैरियर पे एक लेवल तक पहुंच चुके होते हो, तो आपको उतना झूठ नहीं बोलना पड़ता, खास करके पैसे को लेके। तो अगर आप पैसे को लेके मतलब अपने कैरियर को लेके सीरियस नहीं होते हो, आगे जाके लाइफ को लेके, अपने पैशन को लेके, अपने आप को लेके सीरियस नहीं होते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अच्छे व्यक्ति होके भी शायद आपको झूठ बोलना पड़ सकता है, आपको कुछ और चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ सकती है, ओके, चंद 400-500 रुपये के लिए। जैसे मैं अपने लाइफ में सोचता हूँ कि कभी भी 500 रुपये के लिए मुझे कभी किसी को झूठ ना बोलना पड़े, मैं इतने पैसे कमाऊँ एक टाइम तक कि उसके बाद मैं सोच सकूँ कि मतलब कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। ठीक है, अगर आप खुद ही लाइफ में एक लेवल पे नहीं हो तो आप किसी की पहली चीज़ हेल्प नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी चीज़ में, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी हो, एजुकेशनल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो पहले अपने आप को खड़ा करो। ठीक है, आप नहीं तो आप बंधे रहते हो, राइट। आप लेट सपोज किसी एम्प्लॉयर के अंदर हो, आप वो गलत काम करा रहा है, तो बिकॉज यू आर टेकिंग द पे वो गलत है, तो भी आपको करना है। तो मतलब एक एज के बाद, पैसे कमाने के बाद, फोकस ऑन न्यू थिंग्स, फोकस ऑन व्हाट यू लव टू डू, अर्न मनी एंड बी फ्री विद दिस थिंग्स। की मुझे लगता है कि 50-60 के बाद झूठ बोलना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा आपके लिए भी। अंकल बहुत ही अच्छे आदमी थे, आज भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बट मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, क्या रीज़न होगा कि अंकल ने झूठ बोला। सिंपल सा रीज़न था पैसा। शायद अंकल एक लेवल पे लाइफ में आ जाते और शायद उन्होंने कुछ सोचा होता, तो शायद उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, सर आप कैसे जज कर सकते हो या कैसे कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन हो, अगर जो मैंने स्टेप्स बोले, अर्ली डेज में आप अपने कैरियर पे फोकस करो, कैरियर को अच्छे लेवल पे ले जाओ, अच्छा कमाओ, और दूसरा स्टेप अच्छे कैरियर पे स्टेबल होने के बाद 5-10 साल अच्छे से सीखो। ठीक है, अच्छे से काम को सीखो जो काम कर रहे हो, उसके बाद सोचो अब मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं ना, वो देखते हैं कि किसमें जिसमें पैसा किसमें ज़्यादा है। गाइस पैसा हर चीज़ में, ठीक है, हर चीज़ में पैसा है। आप हर चीज़ में ट्राई करो कि आप उसके टॉप 10%, टॉप 20%, टॉप 30% बन के बताओ अपने आप को। ठीक है, उस लेवल पे जाओ, आपको जो पसंद है उसमें जितना कमाना है आप कमा सकते हो। ठीक है, आपको जितना लगे आप आपके लिए सही है। पैसे की कोई अपर लिमिट नहीं होती, बट इतनी लिमिट होती है कि आप कोई चीज़ खरीदते हो कि आपको सोचना ना पड़े, और किसी को पे करते वक्त आपको ज़्यादा रिकझिक ना करनी पड़े। तो ये कुछ ओवरऑल वीडियो थी, लंबी हो गई, आशा करता हूँ कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपके भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट्स में डालें, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।